नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। कक्षा 8, विषय हिंदी, इकाई 4, उठो धरा के अमर सपूतों। यह काव्य संघ गान है। उठो अर्थात यहाँ पर उठने के लिए कहा है, धरा यानी धरती यहाँ पर मातृभूमि है, अमर अमर मतलब जो कभी ना मरे उसे कहेंगे अमर, और सपूत यानि जो कुल का नाम रोशन करे, जो देश का नाम रोशन करे उसे कहेंगे सपूत। तो आज इकाई 4 की कविता कौन सी है? उठो धरा के अमर सपूतों। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त सन 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने उस समय की बात की है जब भारत देश पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश के की उस समय बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, क्योंकि गुलामी के कारण हम कोई भी कार्य या अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हमारा देश बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को या हमारे देश को अंग्रेजी सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली, अर्थात हम आज़ाद हो गए। सदियों के बाद आज हमने अपने आज़ादी का सवेरा देखा था। इस कविता में यही बात बताई गई है, क्योंकि यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत देश गुलाम था और आज़ादी पाने की कगार पर था। जैसे ही भारत देश आज़ाद हो गया, तब द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि अब देश के सपूतों अर्थात देश के पुत्रों, तुम लोग उठ जाओ, तुम लोग अमर हो, क्योंकि गुलामी के बाद आज का जो नया सूर्य उदय हुए हमारे देश के लिए, उसमें आपको देश का नव निर्माण करना अर्थात नया निर्माण करना है, इसके लिए तुम खड़े हो जाओ और निर्माण करने की शुरुआत करो। यह कविता में कवि ने यही संदेश दिया है। आइए बाल मित्रों, अब हम इस कविता का गान करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में
युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आइए बाल मित्रों, अब हम कविता को पढ़ते हैं और उसका शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। धरा धरती, यहाँ पर भारत माता। अमर अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो कभी, उसे कहेंगे अमर। सपूतों, सपूत यानि ऐसे बेटे जो कुल का नाम रोशन करते हैं। पुनः, पुनः मतलब फिर से, निर्माण करना मतलब बनाना। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन मतलब हर एक व्यक्ति, प्रत्येक लोग, जीवन मतलब जिंदगी में फिर से नव, नव यानि नया, स्फूर्ति यानि उत्साह, नव नव यानि नया और प्राण मतलब जीवन भरो। नई प्रातः, नई प्रातः मतलब नया सवेरा है, नई बात है। नई किरण, किरण यानि रोशनी, ज्योति नई है अर्थात लोगों के अंदर नया उत्साह है। नई उमंगे, उमंगे मतलब उत्साह, हौसला। नई तरंगे, तरंगे यानि लहरें। नई आस, आस यानि आशा। और सांस है, सांस यानि श्वास है, नए श्वास हैं। युग युग के मुरझे, मुरझे यानि मुरझाए हुए। सुमनों, सुमन यानि फूल में नई नई मुस्कान भरो। मुस्कान मतलब हास्य, हंसी। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आइए बाल मित्रों, हम कविता को पढ़ते हैं, साथ साथ उसका भावार्थ और उसके शब्दार्थ भी देखेंगे। पहले हम इन दो लाइनों को पढ़ेंगे और इसका शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे।
उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ पर उठो यानि उठना, धरा यानि धरती मातृभूमि, यहाँ पर अमर, अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो कभी उसे अमर कहा जाता है, सपूत मतलब ऐसे पुत्र जो कुल का और देश का नाम रोशन करते हैं, पुनः यानि फिर से निर्माण, नया मतलब नया और निर्माण करना मतलब बनाना, जन जन यानि प्रत्येक मनुष्य हरेक लोग, जीवन यानि जिंदगी, फिर से नव स्फूर्ति नवा उत्साह ताजगी, नव प्राण यानि नए प्राण या नया जीवन भरो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के सपूतों, अब गुलामी की रात बीत गई है, अर्थात हम आज़ाद हो चुके हैं और अब जो गुलामी भरी रजनी थी, रात्रि थी, वह चली गई है और आज़ादी का आज नया सूर्य का उदय हुआ है, नया सवेरा हुआ है। तुम अब, तुम्हारे अंदर अज्ञान है, आलस है, उसकी नींद को छोड़ दो और जाग जाओ और देश का फिर से नया निर्माण करने में लग जाओ। तुम्हें ही देश के वासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नया हौसला भरना है और तुम्हें ही उनके जीवन में नए प्राणों का संचार करना है। अब हम नई प्रातः से लेकर हम यहाँ पर मुस्कान भरो तक हम देखेंगे। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सास नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अब हम देखेंगे बच्चों इसके शब्द के अर्थ। नई प्रातः यानि नया सवेरा, नई बात है, नई किरण, नई किरण मतलब नई रोशनी, और ज्योति यानि प्रकाश, नई उमंगे, उमंगे यानि उत्साह हौसला, नई तरंगे, नई तरंगे यानि नया हवा का झोंका या लहर, नई आस, आस यानि आशा, और श्वास यानि श्वास, युग युग से मुरझे, मुरझे यानि मुरझाए हुए कुम्हलाए हुए सुमनों, सुमनों मतलब फूलों में नई नई मुस्कान भरो, मुस्कान भरना मतलब हंसी भरना, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज गुलामी के बाद आज़ादी का नया सवेरा हुआ है, चारों तरफ लोग आज़ादी की चर्चा कर रहे हैं, हरेक के अंदर नए नए विचार हैं और उन विचारों के से निकलने वाली किरणें या रोशनी चारों तरफ फैल रही है और जिसके कारण वह लोग अपने जीवन में एक नया प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। आज हरेक व्यक्ति के मन के अंदर नया उत्साह है, नई हिम्मत है, नया हौसला है, उसकी जो तरंगे हैं, उसके जो झोंके हैं, उनके मन के अंदर बह रहे हैं, जिसके कारण उन्हें नई आशाएं, नई उनमें नई आशाएं उत्पन्न हो रही हैं। आज हरेक देशवासी अपने देश में खुलकर श्वास ले रहा है। हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें युग युग से जो फूल मुरझा चुके हैं उन फूलों में नई मुस्कान भरना है, अर्थात उन्हें खिलाना है। युग युग से मतलब जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े, जिनके जीवन पूरी तरह से मुरझा चुके हैं, ऐसे लोगों के अंदर तुम्हें नया जीवन भरना है, नया प्राण भरना है
और उन्हें फूलों की तरह खिलाना है, अर्थात उन्हें उत्साह और उमंग जगानी है। अब हम आगे देखेंगे, डाल डाल पर बैठे बिगहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर विहग, अब हम बच्चों यहाँ से लेके हम यहाँ तक का शब्दार्थ और भावार्थ देखेंगे। डाल डाल, डाल यानी शाखा, पेड़ की शाखा पर बैठे विहग, विहग यानी पक्षी, नए स्वरों में, स्वर मतलब नया राग और स्वर में गाते हैं, गुन 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 करते भवरे, भवरे यानी भवरा, मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग, नवयुग यानी नया युग या नया जमाना की नूतन, नूतन यानी नई वीणा में नया राग नव गान भरो। वीणा, वीणा यानी एक सितार जैसा वाद्य यंत्र होता है जो माँ सरस्वती के हाथ में होता है। राग मतलब नए ढंग से गाना, नव गान भरो, नव गान भरो मतलब नए गानों को उसके अंदर भरना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज़ादी की जो सुबह हुई है उस सुबह में मनुष्य के साथ साथ प्रकृति भी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। पेड़ों की शाखाओं पर जो पक्षी बैठे हुए हैं आज उनके स्वरों में भी नयापन लगा दिखाई दे रहा है, मानो वह खुशी से कोई चहक रहे हों और कोई गीत गा रहे हों। बगीचे में जो भंवरा है वह गुंजार करता है, उसके गाने में भी आज मस्ती दिखाई दे रही है, वह मस्ती में मंडराता हुआ बगिया में घूम रहा है। हे देश के सपूतों, हे देश के युवा नौजवानों, हे देश के पुत्रों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आ गया है। इस नए युग की वीणा में अर्थात इस नए युग के वाद्य यंत्र में तुम्हें नया राग भी भरना है और उसके अंदर तुम्हें नए गान भी भरने हैं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के पुत्र, हे अमर भारत माता की संतान, तुम उठो और देश के नए निर्माण में पुनः लग जाओ। तुम आलस्य को त्याग दो, नींद को त्याग कर देश का फिर से निर्माण करने में जुट जाओ। कली कली खिल रही इधर वह फूल, फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब हम कली से लेकर कली कली खिल रही इधर वह फूल, फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब यहाँ पर हम यहाँ से लेकर हम यहाँ तक
प्रश्न इस कविता का भावार्थ देखेंगे शब्दार्थ सहित। कली कली, कली मतलब जो छोटी सी बोनी होती है वह भी खिल रही है, कली यानि बोनी। फूल यानि सुमन, मुस्काया यानि हंसना, धरती माँ यानि धरा, पृथ्वी वसुधा, सुनहरी मतलब सुनहरे रंग की, काया मतलब शरीर, देह और तन, नूतन नूतन यानि नया, मंगलमय मंगल मतलब शुभ, मांगलिक, ध्वनि मतलब आवाज, गुंजित गुंजित मतलब गूंजना, जग उद्यान मतलब संसार रूपी बगीचा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया है तो यहाँ पर हर एक जगह आज़ादी के कारण लोगों के अंदर उत्साह और उमंग तो है ही, साथ साथ प्रकृति का भी नया रूप है। इधर बगीचे हैं, उद्यान है, उसमें भी जो कली है छोटी छोटी वह खिलकर बड़ा फूल बन गई है और हर एक फूल आज आज़ादी की सुबह में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता का प्रकाश है, किसका? स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश है, वो चारों तरफ फैल गया हुआ है। ऐसा लगता है कि जिसके कारण माता धरती की जो शरीर है, देह है, उसकी जो काया है वह स्वर्ण रंग की अर्थात सुनहरे रंग की दिखाई दे रही है या हो रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य के उदय के साथ ही जो सूर्य की किरणें होती है उसमें पीलापन होता है। तो मानो ऐसा लगता है कि भारत आज़ाद हो गया है, प्रकृति में जो छोटी छोटी कलियां हैं वो खिलकर फूल बन गई है और हर एक फूल मुस्कुराता हुआ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और देश में जो आज सूर्य का उदय हुआ है वह कैसे? स्वतंत्रता रूपी सूर्य का उदय हुआ है और उससे निकलने वाली किरणें जब धरती पर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि आज धरती माँ ने या धरती माँ की जो शरीर है उसकी जो काया है वह सुनहरे रंग की हो गई है। तो हे देश के सपूतों, तुम अपनी शुभ और मंगलमय वाणी से, वाणी मतलब आवाज से, इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित कर डालो, या तुम्हें इस संसार रूपी बगीचे को गुंजित करना है। तो हे धरती माता के अमर सपूतों, तुम उठो, नींद से जाग जाओ, आलस्य को त्याग करो और पुनः देश के नए निर्माण में जुट जाओ। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब हम यहाँ से लेकर, अब हम सरस्वती से लेकर हम यहाँ तक फिर इस कविता का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे। सरस्वती मतलब माँ, विद्या की देवी सरस्वती, पावन यानि पवित्र, मंदिर यानि देवालय, शुभ यानि मंगलकारी, संपत्ति मतलब जायदाद, पर कहाँ, यहाँ पर क्या है? ज्ञान रूपी संपत्ति। हर बालक इसका रक्षक, रक्षक करना यानी रक्षा करने वाला, पुजारी मतलब पूजा करने वाला, शत शत यानि सैकड़ों, दीपक यानि दिया, चिराग, ज्ञान, ज्ञान मतलब विद्या का, नवयुग यानि नया युग, आह्वान करना यानि पुकारना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश के बच्चे जो हैं, बालक हैं, वह क्या कह रहे हैं कि हमारे देश की जो सरस्वती अर्थात जो विद्या की देवी है, जो हमें ज्ञान देती है, इस विद्या की देवी के द्वारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के मंदिर हैं, उसके हम यह जो संपत्ति है, शुभ ज्ञान रूपी संपत्ति है, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं,
उस पर केवल हमारा अधिकार है, अर्थात वह संपत्ति हमारी है। और हर एक बच्चा है वह जो इसकी रक्षा करने वाला है और उसकी पूजा करने वाला है। फिर कहते हैं कि अपने ज्ञान से, अर्थात अपने सरस्वती के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, उस ज्ञान से सैकड़ों दीपक को जलाना है और हमें नए युग के, नवयुग यानी नए युग को एक आह्वान करना, अर्थात नए युग की पुकार करनी है। अर्थात जो हमें ज्ञान मिला है, अपने ज्ञान को पाकर उस ज्ञान से हमें हमारे देश का जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाना है, उसे अच्छा बनाना है। किसके द्वारा? अपने ज्ञान के द्वारा। अर्थात सैकड़ों दीपक को जलाकर, दिए को जलाकर अपने ज्ञान से हम अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाना है या बनाएंगे। तो हे धरती माता के सपूतों, उठो और फिर से इस देश के नए निर्माण में जुट जाओ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।